अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 11 मई 2021 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, दो बड़ी अपडेट आपके सामने। पहली अपडेट ये है कि इस बार लिखित परीक्षा से होगा डीएलएड में प्रवेश। 2 लाख से ज्यादा सीटें हैं डीएलएड की प्रदेश में के कॉलेजों में, ठीक है। और एक और अपडेट दोस्तों ये आई कि अंतिम वर्ष को छोड़कर विश्वविद्यालय के सभी छात्र बिना परीक्षा के होंगे प्रमोट। ये यूजीसी का दोस्तों डिसीजन है। तो गाइस, अगर आप डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हो तो सिंपल सी बात है दोस्तों, हो सकता है कि आप इस साल अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होंगे। तो लेकिन गाइस, आपको इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी आपका फाइनल ईयर का एग्जाम होगा, उसको दोस्तों मतलब प्रमोट नहीं किया जाएगा। लास्ट टाइम भी दोस्तों ऐसा ही कुछ डिसीजन था, इस बार भी दोस्तों ऐसा ही डिसीजन आ रहा है। देखिए, एक बात और आपको बता दें कि आपका सवाल था कि क्या एंट्रेंस एग्जाम होगा। दोस्तों अभी तक ऐसे ही आशा लग रहे हैं कि आपका इस बार एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा। अगर आप सरकारी कॉलेज चाहिए तो तैयारी शुरू कर दें। जी हाँ दोस्तों, सरकारी कॉलेज की फीस होती है 10,200 रुपये एक साल की। अगर आप दोस्तों प्राइवेट कॉलेज में दाखिला लेंगे तो आपको एक साल के 41,000 रुपये देना पड़ेगा। समझ लीजिए कि आप 10,000 देना चाहते हैं कि 41,000। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज वाले तरह तरह से आपको लूटेंगे भी, ठीक है। कभी प्रैक्टिकल के फीस के नाम पर लूटा जाएगा, कभी कुछ और, कभी कुछ और, इसको भी आप जरा ध्यान में रखेंगे। उसके बाद दोस्तों बात होगी कि आखिर आपका सिलेबस क्या होगा। अगर एंट्रेंस एग्जाम दिया जाएगा तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन होंगे, और दोस्तों क्या एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी। देखिए, जो हमारा बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें तो दोस्तों नेगेटिव मार्किंग होती है। तो सिंपल सी बात है कि डीएलएड में होगी या नहीं उसको देखेंगे। डीएलएड एडमिशन का पूरा प्रोसेस को जानेंगे और कब से शुरू होंगे आवेदन इसको भी देखेंगे। पीएनपीसी दोस्तों क्या लेटेस्ट अपडेट आ रही है। देखिए दोस्तों, जो हमारा डीएलएड होता है ना यूपी में, इसका जो पूरा कंट्रोल होता है वो पीएनपी के पास होता है। पीएनपी का जो हमारा फुल फॉर्म होता है इसको जरा ध्यान में रखिएगा, पीएनपी ये वर्ड्स आप काफ़ी सुनेंगे, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। तो अपडेट क्या आई थी देखिए जरा, कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होते ही डीएलएड 2021 में प्रवेश के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस सत्र से डीएलएड में प्रवेश लिखित परीक्षा से कराने की तैयारी है। अभी तक दोस्तों इस पाठ्यक्रम में मेरिट के आधार पर प्रवेश होता आया है। इस संबंध में प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सरकार ने लिखित परीक्षा में प्रवेश लेने का निर्णय लिया है। क्योंकि दोस्तों डीएलएड की सीटें भले ही 2 लाख से अधिक हो, लेकिन डीएलएड करके शिक्षक भर्ती के लिए मान्य अध्यापक शिक्षा मतलब जो पात्रता परीक्षा होती है दोस्तों टीईटी पास करने वाले अभ्यर्थी कम होते हैं। मतलब दोस्तों 2020 में टीईटी में प्राइमरी स्तर पर दोस्तों 29.74%, तो उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा में मात्र 11.46% अभ्यर्थी ही सफल हो पाए। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ 11.46% बच्चे पास हुए तो कितने बच्चे फेल हो गए। उसके बाद वही दोस्त, इसके बाद प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में भी अभ्यर्थियों की सफलता का प्रतिशत कम होता है। उदाहरण के तौर पर 68,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में लगभग 55,000 अभ्यर्थी सफल हुए। प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए डीएलएड के बाद टीईटी और फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करना अनिवार्य है। हालांकि डीएलएड की लिखित परीक्षा को लेकर संशय बरकरार है, क्योंकि यदि संक्रमण इसी तरह रहा तो प्रवेश परीक्षा पर संकट है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के केसेस भी आपको दिखा देते हैं। 24 घंटे में 203,29,000 मामले आए और 3,889 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। उसके बाद दोस्तों आगे की अपडेट क्या है इसको जरा रखते हैं आपके सामने, कि सरकार ने पिछले वर्ष भी डीएलएड में प्रवेश नहीं लिया था, जबकि निजी कॉलेजों ने सरकार पर प्रवेश लेने के लिए दबाव बनाया था, लेकिन स्नातक की परीक्षा देर से होने के कारण प्रवेश नहीं हो पाए। लिहाजा इस बार भी डीएलएड का सत्र शुरू होना तय है। प्रदेश में के मतलब 67 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों व 3100 मतलब 3 निजी कॉलेजों में डीएलएड की 2 लाख से ज़्यादा सीटें हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आपको डीएलएड एडमिशन से संबंधित और कुछ जानकारी चाहिए हो, ठीक है, लेकिन दोस्तों अभी तो एडमिशन का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जब आगे शुरू होगा डीएलएड करेंगे तो दोस्तों अगर आपको डीएलएड की नोट्स चाहिए हो, ठीक है, आप पढ़ना चाहते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से विषय होते हैं, सेकेंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, फोर्थ में क्या होता है, उसके बाद दोस्तों आपका जो टेट का पेपर होता है, उसके बाद सुपर टेट का पेपर होता है, सब कुछ आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सीख पाएंगे, ठीक है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिएगा 8738079216 8738079216, ठीक है, 07 92 16, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर सिर्फ हमें मैसेज करिएगा। तो दोस्तों काफ़ी बार बच्चे कॉल करते हैं, कॉल अटेंड नहीं हो पाती, देखिए गाइस इतनी कॉल्स आती है ना, तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, समय लगेगा लेकिन आपको रिप्लाई दिया जाएगा।
ठीक है, जैसे दोस्त एडमिशन का प्रोसेस शुरू होता है सारी अपडेट्स आप तक पहुंचा दिया जाएगा। आप देख रहे होंगे दोस्त ये न्यूज़पेपर के माध्यम से भी अपडेट आ रही है, तो जो भी दोस्त अपडेट्स आएंगे अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन ये वाली जो अपडेट थी थोड़ी दुखद थी, क्योंकि जो बच्चे डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं सिंपल सी बात है वो बच्चे फाइनल ईयर के ही होंगे। अपडेट आई है नई दिल्ली से, कोरोना संक्रमण की नई लहर से देश भर में मचे हाहाकार के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने फिलहाल परीक्षाओं से जुड़ा फैसला विश्वविद्यालयों पर छोड़ दिया है। वे स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए परीक्षाएं कराने या फिर छात्रों को सीधे प्रमोट करने का फैसला ले सकेंगे। हालांकि दोस्तों अब तक जो स्थिति है उसमें ज़्यादातर विश्वविद्यालयों ने अंतिम वर्ष को छोड़कर बाकी सभी छात्रों को बगैर परीक्षा के ही अगली कक्षाओं में प्रमोट करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए दोस्तों विश्वविद्यालय ने UGC की ओर से पिछले साल परीक्षाओं को लेकर तय की गई गाइडलाइंस को आधार बनाया है। तो गाइस इस समय जो बच्चे डीएलएड में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो गाइस आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा क्योंकि आप फाइनल ईयर के छात्र होंगे। देखिए एक बात और था, कुछ बच्चों का सवाल था कि क्या 12वीं पास छात्रों को मौका दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इस साल इंटर पास कर लिया तो क्या डीएलएड में आपको एडमिशन मिलेगा। बात हो रही दोस्तों यहाँ पर यूपी डीएलएड, ठीक है। अगर आप उत्तर प्रदेश में डीएलएड करना चाहते तो क्या आपको योग्यता रखते हैं कि 12वीं पास छात्रों को मौका मिलेगा। तो गाइस अभी तक यूपी में ऐसा कोई प्राविधान नहीं कि जो डीएलएड का दोस्तों रूल है कि पहले आप हाई स्कूल पास करेंगे अच्छी परसेंटेज से, इंटर पास करेंगे, उसके बाद ग्रेजुएशन। अच्छी परसेंटेज का दोस्तों मतलब ये है कि अभी तक जो हमारा डीएलएड में पिछले साल तक या पिछली बार तक हुआ, पिछले साल तो एडमिशन ही नहीं हुआ, तो जो एडमिशन तो दोस्तों हुआ था वो मेरिट के आधार पर हुआ था। जैसे मान लेते आपके हाई स्कूल में 70% आए थे, इंटर में दोस्तों मान लेते कि आपके 80% आ गए, ग्रेजुएशन में दोस्तों आपने 60% अंक हासिल किया, तो दोस्तों तीनों को क्या करते थे जोड़ लेते थे 8 और 7 15 6 21, तो दोस्तों ये 210 अंक बना। ये दोस्तों आपकी मेरिट होती थी, जिसके ज़्यादा नंबर होते थे उसको सरकारी कॉलेज अलॉट होता था, जिसके कम नंबर उसको प्राइवेट। तो दोस्तों डीएलएड एडमिशन 2021 से लेटेस्ट अपडेट संबंधी अगर दोस्तों और कोई भी आपको सूचना चाहिए होगी तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल दोस्तों अभी आपका एडमिशन का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ही जल्दी अब इसको शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों कि इस बार एडमिशन लिया जाएगा, नहीं तो फिर प्राइवेट कॉलेज है ना उस पर ताले लग जाएंगे। 2020 में एडमिशन का प्रोसेस नहीं हुआ, 2021 में अगर नहीं हुआ, क्योंकि जो हमारा डीएलएड का कोर्स होता है वो 2 साल का होता है, अगर 2 साल एडमिशन नहीं हुआ तो समझ लीजिए कॉलेज वाले बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे, कॉलेज में ताले लग जाएंगे, हजारों टीचरों की नौकरी चली जाएगी, तो गाइस बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इस बार सरकार को हर हालत में एडमिशन लेना ही पड़ेगा, इनके पास कोई और विकल्प नहीं होगा। तो गाइस अगर एंट्रेंस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, ये दोस्तों जो भी अपडेट्स हैं ना, जब तक दोस्तों इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा तब तक कुछ भी कहना सही नहीं होगा, ठीक है। फिलहाल आप इसके लिए इंतजार करिए, बाकी आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन दिख रही है ना उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेगी, फिर आप परेशान होंगे, कहेंगे यार ये अपडेट हमारे तक आई नहीं, ठीक है। तो देखते रहिएगा दोस्तों, और UGC वाला मैटर है आप अपने छोटे भाइयों को, आपके दोस्त यार को बता दीजिएगा कि अब वो प्रमोट होना कन्फर्म हो गया है। अब दोस्तों कॉलेज वाले भी प्रमोट करने से मना नहीं कर पाएंगे, लगभग 100% छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। फेल छात्रों के साथ दिक्कतें हो सकती है, नियम में बदला हुआ तो ठीक है। बाकी चलिए मिलेंगे एक और वीडियो में और भी अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, और दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी शुरू करिए, क्या क्या दोस्तों पढ़ना है आने वाली वीडियोज में हम आपको बताएंगे। फिलहाल इंतजार करिए कि दोस्तों इसका जो सिलेबस है वो क्या रखेंगे, ठीक है। फिलहाल लेकिन इस बार एडमिशन होगा ये बात श्योर है, और अगर आपने बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा था तो उसकी तैयारी अब करते रहिए।